वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर ऑल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, मतलब एक न्यूज़ आई है, बेसिकली वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, और इसमें वो कहते हैं प्रशांत सर कि 500 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, 500 इंडियन जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है और वो यूक्रेन में वॉर के लिए रेडी हैं, आर्मी में शामिल होने के लिए, जो कि जो रशिया है उनके लिए, उनके अगेंस्ट। ठीक है, अब इंडिया का रशिया से बहुत अच्छा ताल्लुक है, और फिर इस तरह की फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें सुनने को जो मिल रही हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ल्ड अफेयर के थ्रू ही हम जाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा व्लॉग न्यू आ चुका है हम साइमा पीरजादा व्लॉग चैनल पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आपने यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ लिंक को क्लिक करना है और मेरी वीडियो को वॉच करना है। अगर अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या कहते हैं प्रशांत सर। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। देखिए, रिपोर्ट सामने आई है कि 500 इंडियंस ने एप्लीकेशन भर दी है, और ये इंडियंस चाहते हैं कि ये लोग यूक्रेन की तरफ से लड़े रूस की सेना के अगेंस्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है द हिंदू का, मैनी इंडियंस वॉलंटियर टू ज्वाइन यूक्रेन लीजन, और इस आर्टिकल में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि 500 इंडियंस से भी ज्यादा 500 से भी ज्यादा इंडियंस ने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। कई यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं और कई यहाँ पर वेटरन्स भी हैं, मतलब के आर्मी नेवी में सर्व कर चुके हैं, रिटायर कर चुके हैं, अब ये लोग यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए अगेंस्ट रशिया। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्या ये ठीक है? बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, और क्या ये जो इंटरनेशनल सोल्जर्स की जो आर्मी यूक्रेन बना रहा है, क्या ये लोग यूक्रेन में सेव रहेंगे? अगर रशिया ने इनको पकड़ लिया तो कल को क्या होगा इनके साथ? और पहली बात तो इनको लालच किस बात का है, ये क्यों जा रहे हैं यूक्रेन में रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए? देखो, पहली बात तो मुझे पता है कि आपके माइंड में एक बेसिक क्वेश्चन ये आएगा, ये काम भी कैसे करता है पूरा प्रोसेस, कि अगर मान लो कोई एक कोई सिटीजन है, मान लो यूएस का है, यूके का है, तो वो सीधा अपने देश से चल पड़ता है, फ्लाइट कर लेता है यूरोप की तरफ, और फिर पोलैंड की बॉर्डर क्रॉस करके सीधा यूक्रेन में पहुंच जाएगा और वो यूक्रेन की तरफ से लड़ना स्टार्ट कर देगा। कोई इसमें कुछ एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। तो देखो, यूक्रेन की सरकार ने इसके लिए एक प्रॉपर डिवीजन ना रखा है अपने देश में, जहां पर ये कहते हैं कि बाहर से जो भी वेटरन्स आ रहे हैं, जो भी फिट लोग आ रहे हैं, जो इस वॉर में हेल्प कर सकते हैं यूक्रेन की, उनको ये लोग इनवाइट कर लेते हैं यूक्रेन इंटरनेशनल लीजन में। और इस इंटरनेशनल लीजन में यूक्रेन के हिसाब से 50 से ऊपर देशों के सोल्जर्स आज के समय आ चुके हैं, विभिन्न देशों से, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएस, डेनमार्क, यूके, इवन इंडिया भी हम देख रहे हैं, इन सब कंट्री से टोटल 20 से लेकर 21,000 सोल्जर्स इकट्ठा हो चुके हैं, और अब धीरे धीरे इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी है रशियन आर्मी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर लीजिए कि इवन दो यूक्रेन अपनी तरफ से इनवाइट कर रहा है इंडियंस को कि आओ रशिया के अगेंस्ट लड़ो, मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप ये जान लीजिए कि इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट ये करना गैर कानूनी है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर सेक्शन 121 से लेकर 130 में ये लिखा है कि कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अगेंस्ट द लॉ है। हमारा रशिया के अगेंस्ट कोई युद्ध नहीं चल रहा, इंडिया रशिया के बीच में पीस है, हम लोग रशिया के अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं उठा रहे। तो खुद ही एक नागरिक अगर यूक्रेन में जाता है, रशियन सोल्जर्स को अटैक करता है, क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली बात है ह्यूमैनिटेरियन कॉज करे तो जान ही रहे, इनका मेन काम यहाँ पर लोगों की जान बचाना तो नहीं है, ये तो प्राइमरली लड़ेंगे रशियन सोल्जर से, एक ऐसी कंट्री से जिसके साथ इंडिया का पीस है, तो ऐसे केस में दिस इज अगेंस्ट द लॉ। और इससे पहले भी हम देख चुके हैं 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम ने हाई कोर्ट को एक रिटर्न एफिडेविट में ये कहा था कि जो इंडियन नागरिक 2015 के आसपास इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं केरला से, बाकी स्टेट से, ये भी आज के समय गैर कानूनी है। इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री विद द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग पार्ट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो चाहे यूक्रेन की सरकार लोगों को बुला रही हो,
इंडिया का कानून क्या कहता है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर यूक्रेन की सरकार ऑफर क्या करती है कि इंटरनेशनली जो भी ये लोग आ रहे हैं जापान से यूएस से, ये एक बार यूक्रेन पहुँच गए रशिया से लड़ लिया, मान लो कल को रशिया हार भी गया तो इनको क्या मिलेगा? देखिए सैलरी तो यूक्रेन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफर कर ही रहा है इनको, उसके अलावा यूक्रेन ने वादा ये कर दिया है, रिसेंटली इस पर रिपोर्ट आई थी कीव इंडिपेंडेंट की, यहाँ पर लिखा है कि फॉरेन वॉलंटियर्स को यूक्रेनियन सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो चाहते हैं, इफ दे वांट टू। अगर मान लो कि कोई अमरीकी है यूक्रेन चला गया, यूक्रेन अंत में वॉर जीत जाता है और इसने पार्टिसिपेट भी किया वॉर में, तो उसके बदले में यूक्रेन की सरकार यूक्रेन का नागरिक बना देगी इस सोल्जर को। और देखिए यूक्रेन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रा कोई डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे लोग यू नो बहुत सारा कमा सकते हैं, तो मेरा नहीं मानना कि यूक्रेन की सिटीजनशिप कोई इतना अट्रैक्टिव ऑफर है, मगर फिर भी कई वॉलंटियर्स हैं ये यूएस से और देशों से जा रहे हैं, जबकि इनकी सरकारों ने भी क्या रखा है कि आपको यूक्रेन जाने की आवश्यकता नहीं है, यूक्रेन मत जाइए वहां पे डेंजर बढ़ने वाला है, क्योंकि रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। रशियन गवर्नमेंट ने क्लियरली ये बात बोल दी है कि जो भी फॉरेन सोल्जर्स पकड़े जाएंगे, अगर मान लो कि पकड़े गए, वैसे तो ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्ट में अगर वो लड़ रहे हैं रशिया के अगेंस्ट तो रशियन आर्मी उनको मार भी सकती है, मगर मान लो अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन सोल्जर्स को ह्यूमेनली ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस भी रशिया नहीं देगा, उनको रशिया ऑलमोस्ट आप मान लीजिए एक मर्सनरी की ही तरह ट्रीट करेगा, और उसके बाद हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया ऑन ग्राउंड भी उन सोल्जर्स के अगेंस्ट एक्शन ले ले। तो कम शब्दों में रशिया ये कह रहा है कि वी विल किल यू, सीधा सीधा रशियन आर्मी इनको मार देगी, कोई इनको काइंडनेस रशियन आर्मी नहीं दिखाने वाली। और रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये पॉलिसी उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई देश है आज के समय, फॉर एग्जांपल डेनमार्क है, डेनमार्क की सरकार ने कहा है कि अगर हमारे लोग जाते हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए रशिया के अगेंस्ट, खुद ही अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाते हैं, तो हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, उनके खिलाफ हम अपने देश में कोई भी केस दर्ज नहीं करेंगे। सेम बात बोल दी यहाँ पर इसराइल ने, कई देश कह रहे हैं, तो कई कंट्रीज हैं आज के समय जिन्होंने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इनडायरेक्टली एक ग्रीन सिग्नल दे दिया अपने नागरिकों को कि जाओ रशिया के अगेंस्ट लड़ लो, कुछ नहीं होगा, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हमें आज के समय नीड ये है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी अथॉरिटीज लोगों को ये बताए कि यूक्रेन में जाने के रेप्रिकॉशंस क्या होंगे, क्योंकि कई जो इंडियंस हैं जो जा रहे हैं यूक्रेन में एप्लीकेशन यहाँ पर दे रहे हैं, इनको पूरी पिक्चर के बारे में पता नहीं है। परहैप्स कई इंडियंस को ये भी लग रहा होगा कि जिस तरीके से रिसेंटली इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था ये भी चले जाते हैं, तो सरकार इनको भी बचाने के लिए आएगी। ये बात क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रशिया के साथ इंडिया का कोई युद्ध नहीं है, रशिया एक फ्रेंडली कंट्री है टूवर्ड्स इंडिया, उनके खिलाफ लड़ने के लिए आप अगर जाते हैं तो पहली बात कहीं ना कहीं आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को चोट पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा एक एस्पेक्ट ये भी है कि रशिया की आर्मी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे, वो लोग सीरिया के मर्सनरीज भी बुला रहे हैं, कई जो चेचन सोल्जर्स हैं वो भी लड़ रहे हैं रशिया की तरफ से, तो इवेंचुअली अगर ये वॉर लंबी चलती गई तो जीत रशिया की होनी है। अगर मान लो ये वॉर चलती रहती है 2 महीने 4 महीने जितना भी लंबा समय लगता है, इवेंचुअली हम सबको पता है कि रशिया ही जीतेगा, चाहे रशिया को जितने भी लॉसेस फेस करने पड़े, तो उस केस में इन लोगों को कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला। और ये बात आम नागरिकों को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि यूक्रेन अपना जो ये इंटरनेशनल रीजन है इसको बहुत प्रमोट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में आप अगर देखो तो कम्प्लीटली प्रो यूक्रेनियन बातें की जा रही है कि बस रशिया यहाँ पे खराब देश है, यूक्रेन बिल्कुल यहाँ पे एक इनोसेंट कंट्री है। तो एक आप कह लीजिए काफ़ी बार एक न्यूट्रल आदमी के जो थॉट्स हैं वो उसको खुद ही कहते हैं कि यार ठीक है यूक्रेन पे अत्याचार हो रहे हैं, मैं यूक्रेन की तरफ लड़ूंगा, मैं सच्चाई की तरफ लड़ूंगा, तो उसकी जो मोरालिटी है वो उसको वहाँ पर ले जाती है। तो नीड आज के समय ये है कि लोगों को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए इस इशू के बारे में, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर, अभी तो 500 ने एप्लीकेशन दी है, इन द फ्यूचर हजारों इंडियंस भी हो सकता है कि चले जाएं, एंड दिस विल ओनली डैमेज इंडिया रशिया रिलेशंस एज वेल। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि सरकार को इस इशू के बारे में अवेयरनेस लानी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल है उसका ही फ्रीडम है, जो मर्जी उसको करना है करे, बस ये है कि इंडिया का कानून क्लियर है, उसको सजा इवेंचुअली मिल जाएगी। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिंड कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा,
कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। इन लोगों ने मुझे लगता है कि गलत किया है, 500 प्लस जो इंडियन है इन्होंने बहुत गलत किया है। उसका रीजन ये है कि इंडिया का रशिया से बहुत अच्छा ताल्लुक है और जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि वो उनके खिलाफ कोई भी ऐसी कोई चीज़ करें जिससे उनको बुरा लगे रशिया को, क्योंकि एक अच्छा दोस्त भी है और एक बुरे वक्त का साथी भी है वो। तो रशिया के खिलाफ जो है वो यूक्रेन के लिए अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है तुम आ जाओ हम लोगों के साथ ये मिल जाओ, और हम लोग जो है मतलब ये पूरी दुनिया से आ रहे हैं, अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, जापान से इवन तो आ रहे हैं। और उन लोगों को ये है कि उनको एक तो इन्होंने एक ऑप्शन ये दिया है कि अगर आप हमारे थ्रू लड़ोगे तो ये है कि अगर हम ये सब कुछ जीत जाते हैं तो हम आपको यूक्रेन की जो है वो नेशनैलिटी दे देंगे और रशिया का मतलब कि ये सारी चीज़ें। लेकिन अब बात यहाँ पर ये होती है कि यूक्रेन इतना कोई डेवलप कंट्री तो है नहीं, जैसे कि प्रशांत सर ने भी कहा, तो ये इतनी बड़ी लालच तो है नहीं कि लोग इसको देखकर जाएं। फिर ये क्या ऑफर देखकर जा रहे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्री से? अब ऑस्ट्रेलिया के लोग आ रहे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में और यूक्रेन की नेशनैलिटी में बहुत फर्क है, तो ऑस्ट्रेलियन को यूक्रेन की नेशनैलिटी क्यों चाहिए होगी? वो तो ऑलरेडी एक ऐसी कंट्री में है जो कि मोस्ट डेवलप्ड और बहुत अच्छी एक मानी जाती है पूरी दुनिया में कंट्री ना। तो खैर अगर हम बात कर लेते हैं रशिया की, तो रशिया ने सरेआम बोल दिया है कि भाई हम तो दुश्मनी जो है वो हमारे को जो भी ऐसे लोग मिलेंगे हम जो उनको ना तो उनको बख्शेंगे ना उनको प्रिजन करेंगे, हम उनको डायरेक्ट शूट करेंगे और बटाटा बाय बाय कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि रशिया ने ये सरेआम बात बोल दी है और ये रशिया का डायरेक्टली उन लोगों के लिए आंसर है जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम यूक्रेन में शामिल होना चाहते हैं उनकी आर्मी में और रशिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है यूक्रेन और रशिया की वॉर में अगर ये सब स्टार्ट हुआ है तो ये अभी से नहीं, पहले से ही डिस्कशन चल रही थी, बातें चल रही थी, तो यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया पहले से ही रेडी था। सेम वैसे ही जैसे इंडिया चाइना के अगेंस्ट रेडी हो रहा था, और जब चाइना का और इंडिया का इशू चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ज़्यादा दूर नहीं जाते, तो वहाँ पर भी यही इशू आ रहा था। तो अब क्या हुआ कि इंडिया ने उस टाइम पर अपनी फुल तैयारी कर ली थी, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रहा था कि हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर ली हैं, फुल तैयार है इंडियन आर्मी चाइना की जो गवर्नमेंट और आर्मी उनके खिलाफ खड़ी होने के लिए, ठीक है ना। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो फिर रशिया भी रेडी है, बड़ी कंट्री है, उनके पास हर चीज़ मौजूद है भाई, वो तो उनके पास हर चीज़ है। बाकी ये सोल्जर्स मारने की बात आई तो यूक्रेन में अभी इतनी पावर तो है नहीं कि वो रशिया को मार सके या उन लोगों को नुकसान पहुंचा सके, ठीक है ना। तो न्यूज़ तो बहुत सारी आती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बड़ी बात है कि यार इतना पॉसिबल नहीं होता है, ये सिर्फ एक उनकी गवर्नमेंट को डाउन करने की बात है और कुछ नहीं। बाकी अगर हम इसके अलावा बात कर लें तो इंडिया पता नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि आर्टिकल के अकॉर्डिंगली तो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होगा और उससे जो है वो मतलब कि हर्ट होगा इंडियन रशिया जो है वो इंडिया की लोगों से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग जो जा रहे हैं जाहिर बात है ज़्यादा ना तरीके से जा रहे हैं, अपनी मर्जी पर जा रहे हैं, लेकिन हैं तो वो इंडियन कहलाते हैं ना। तो फिर वो क्या होगा कि इंडियन की वजह से रशिया को इतना हर्ट हुआ, या अगर वो हार जाते हैं तो वो बड़ा वो दुख मतलब एक अलग ही सिनेरियो चला जाएगा। तो एनीवेज मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इनको अलाउ करने वाली है या फिर ये जा पाएंगे। बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट इनको अलाउ करती है कि नहीं करती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इनको अलाउ करेगी जाना, और अगर करेगी भी तो इनको मतलब इनके आगे कुछ रूल्स रखेगी, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि इनको फॉलो भी करनी पड़ेगी। तो खैर हम तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो और रिलेशन दोनों कंट्रीज़ के अच्छे हो जाए और ये वॉर स्टॉप हो जाए और आपस में सब मिलजुल कर रहें और प्यार मोहब्बत से रहें। तो क्या कहना है आपका ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं और मेरा इधर तो एनीवेज व्लॉग चैनल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो लिंक आपको उसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो क्लिक करके, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर और बाय बाय। मेरे सर में ऐसा गोल गोल घूम रहा है दिमाग।